छोड़ना पड़ा। सबका एंट्री तो कंप्यूटर में नहीं है, इसमें तो सालों लग जाएंगे। पटेल एक मिनट, अगर वो रिकॉर्ड में है तो या तो वो बेल लेके फरार हुआ है या वो उसको छोड़ दिया गया है। उनके लिए कोई और शेल्फ है? खान तो हमारा दो शूटर को मार गिरा है, तू कैसा बच गया रे? खबर ही है क्या? डागर भाई कुछ सोचा? अरे मिनिस्टर साहब आप बैठो, बात करते हैं। मेरे को मालूम होता है इसमें गन है, सटका देता खान। कल का चोकरा वो पुलिस वाला तुम्हें कुत्ते की तरफ दौड़ाया, तू कान को टपकेगा? अरे शूटर को गन नहीं दम होना चाहिए। आजा। गन का क्या है, वो दूर खड़ा हो बच्चा भी ट्रिगर दबा सकता है। ये जब पड़ती है ना तो आड़वास चीर के नहीं आती है, इसके लिए चाहिए हमें कम तो सेवा के पास। जिनको छूट गया हुए बाजू वाले में डॉक्टर बोल देना उसे, डरता और नहीं उससे। उससे डरता है? कौन है बे? शिवा। कौन शिवा? कल तक 10 करोड़ पहुंचना मांगता है। तो क्या, तो क्या सोचा? ये तेरे मेरे बारे में ये लगा था जरा। किसने दिया? गरम चाय। अच्छा है ना? चाय गरम चाय। चुप। डागर भाई दिया हूँ। चाय गरम चाय। तेरी माँ की चाय। Thank you.
छोड़ दो ना साहब। किसने रोक के रखा है? उसको सिर्फ ये बताना है कि डागर का पता हमें कहाँ मिलेगा। बताएगा ना साहब, बताना बताएगा। ये बोला रे, बोलेगा नहीं तो घर कैसे जाएगी? जाना ना घर। ए पाटिल, हाथ मिलवाने का। ये बोलेगा नहीं तो घर कैसे जाओगे? बोलो ना कैसे जाओगे, घर जाएगी कैसे? हराम जाएगा। लौंगी मिर्ची कोल्हापुर जैसे टिकट है। आराम से बोलो। सर आप ये कैसे लॉक कर रहे हैं सर? तुमने और कोई रास्ता छोड़ा नहीं मेरे लिए? तरबूजा कटेगा तो हर कोई चाटेगा। पाटिल छोड़ दो सर। पाटिल साहब, वो तो उल्टा तेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चुपचाप स्टेटमेंट दे दे, ये सब नहीं होगा। मेरे को कोर्ट जिंदा ले जा, सब बताएगा। डागर कहाँ है? मैंने बता दिया तो लोग जिंदा छोड़ देंगे मेरे को। मेरे को कुछ तो बोलना पड़ेगा तेरे को। छोड़, ये लोग देख ले। साहब बताएगा हो। भैया को कौन डागर भाई ने करवाया था? मैं ही किया। तू तो बड़ा कमाल का खिलाड़ी निकला। एक मिनट के लिए तो साला मैं भी चूतिया बन गया था। हमें कन्फेशन चाहिए था, सो तुमने दिला दिया। फील ट्रायल ओवर। वेलकम टू क्राइम ब्रांच टॉप बॉय। अरे सोच क्या रहे हो यार। पाटिल, अरे वो बच्चे और उसकी माँ को जरा घर ड्रॉप करने का इंतजाम कर दो सर। आदि गत शिवा, हियरिंग 9 बजे, मजिस्ट्रेट नायक के साथ कोई चूतिया पा नहीं। साफ बाकी without husband has no status in society. Pranam Pandit ji. Mahadev. Aye. Pranam. Aajkal Pandit ji ke saath kis vishay par charcha ho rahi hai? Ek bahut hi रुचिकर कॉन्वर्सेशन ऑन अ वुमेन्स पतिव्रत धर्म। अच्छा अच्छा, पिछले जन्म का पुण्य है तुम्हारा जो 7 समंदर पार करके पंडित जी से संस्कार और धर्म की शिक्षा पा रहे हो, और ये ही उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति। तुम समझाओगी? चुप, तुम बीच में मत बोलो। प्रभा, मैंने कह दिया ना, वो नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। उपवास किए, चलो जी। तरफदारी मत करो ज्यादा उसका। चुप रहो, चुप, एकदम चुप। पंडित जी, क्या हमारा हवन में बैठना जरूरी है? बड़ी मुश्किल से बाबूजी ने एमए में एडमिशन की परमिशन दी है। आज आखिरी तारीख है और सूर्य भैया कह रहे हैं। बहुत पढ़ लिया,
घर में हवन है, चलिए पढ़ने। सूर्य प्रकाश आप चुप रहिए बाबूजी। ज्यादा पढ़ लिख जाने के कारण ही लड़कियों में संस्कार नहीं रह जाते। आई करेंगे संस्कार, हमारी संस्कृति में तो किसी से भी इस प्रकार बात नहीं की जाती। सूर्य प्रकाश, विशेष रूप से अपने पिताजी से। जहां तक मनी का प्रश्न है तो इस पूजा में तो उसकी कोई आवश्यकता है नहीं। विष्णु सिंह जी जैसा उचित समझें आदेश दे सकते हैं। तुम जाओ बेटी जी, हवन का प्रबंध प्रभा देख लेगी। फिर आप ही कर लीजिए हवन। रुक जाओ प्रभा। यह हवन तो होगा बेटे, और तुम ही करोगे। त्वं मुखं सर्वदेवानां सप्तारचिर भिद्यते आगच्छ भगवन्नग्ने यज्ञेऽस्मिन् सन्निधो भव। हम कहे दोष पंडित चतुर्वेदी का है, जब बड़ा भाई मना कर रहा था तो वो बीच में काहे वहां लगाए थे। अरे यार, खुद को गौर जो समझते हैं, और ये बाबूजी और बेवकूफ बनारसियों के लिए है भी तो ईश्वर। ओ भैया नाव लेकर जल्दी आवाज है तो नहीं ना वो होते कौन है लोगों के जीवन का नियंत्रण करने वाले। ताले हैं, तुम भी तो वही करना चाहते हो हैं। आई डोंट नो क्या तुम्हें पंडित चतुर्वेदी की नौकरी और पदवी दोनों का लालच है। वेलकम जजमान, कम प्रे प्लीज फॉर फादर ग्रैंडफादर और डैड। लालच कहेगा, पंडित चतुर्वेदी पंडिताई के सर्वश्रेष्ठ स्थान पर विराजे हैं और ज्ञान हम कम है क्या उनसे। प्रणाम पंडित जी। वेलकम मैडम, डू अभिषेक पूजा, गंगा रिवर ब्लेसिंग, कम सिट सिट। आदित्यावस्वरुद्राः विश्वदेवा मुरुदुगणाः तिलकन्तु प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धे। ओम मंत्रार्थ सफलाः सन्तु पुनः सन्तु मनोरथाः शत्रु मितताम यान्तु मितताणाम उदयस्तवः। अब मैडम दक्षिणा। थैंक यू। प्रणाम प्रणाम। तो बोले ठीक है भाई, गोरियों के हाथ पकड़ो, गाल छुओ, घर परिवार भी चलाना होता है भैया। पंडित चतुर्वेदी की तरह हमारा खर्चा आपके बाबूजी तो नहीं देते ना। अरे तो तुम भी तो हमारे मंदिर के प्रधान पुजारी नहीं हो ना, बन जाओ प्रधान पुजारी। शीघ्र अपनी पुत्री का विवाह करें विष्णु सिंह जी। जी शास्त्र अनुसार पिता का पुत्री की ओर क्या कर्तव्य बनता है अब वो हम आपको बताते हैं। कुलम च शीलम च वपुर यशश्च विद्याम च वित्तम च सनातदाम च, अर्थात वर के कुल, शील, शरीर, यश, विद्या, धन और सनाथाता। सनाथाता यानी बड़ों का सहारा। इन सातों गुणों की परीक्षा करके आप अपनी पुत्री का विवाह संपन्न करें और पुत्री का कर्तव्य है कि वो इस कार्य में अपने पिता का सहयोग दे। पंडित जी की बात समझ गई बेटी। महादेव, और मेरी भी एक बात समझ लो, आज के बाद घर के बाहर नहीं दिखोगी तुम। अगर दिखी तो उस तिरंगी के संग तुमको भी गंगा मैया में डुबो देंगे। समझ गई।
प्रकाश, हिंसा घोर अपराध है। ये कर्म भूमि है पंडित जी, और यहाँ उपदेश नहीं चलेगा, ये चलेगा ये। गुरत, पकड़ सारे को। मुस्तफा, बच्चे के मुंह में धर्म को छोड़ रहे हैं पंडित जी। अभी खत्म कर देते हैं साले को। जन्म से हमने तुम्हें धर्म की शिक्षा दी है सूर्य प्रकाश, अधर्म के रास्ते पर नहीं चलने देंगे। संगच्छतुम संबद्धतुम संभो मनानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना ना उपासते। आज हमें ज्ञात हुआ धर्म केवल साधना नहीं कर्तव्य भी है, कर्म भी है, एकता और सद्भावना है धर्म, भेदभाव को त्यागना है धर्म, मानवता है धर्म। कार्तिकेय, कहाँ चाहिए साहब, सिगरेट या पान? जान चाहिए जान। जान तुम्हारे नाई माधव सिंह के। माधव सिंह के? माधव सिंह के मारो चूहा। ये लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं? क्यों, दिखाई देना बंद हो गया क्या? क्या बोला तूने? अच्छा, सुनाई देना भी बंद हो गया? अबे अंधे बहरे, अब तू मर गया? डर गया? मुझे जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं डरूं किससे? देखता हूं इन्हें। मेरी आंखों का प्रॉब्लम यह है कि मुझे दिखते दिखते अचानक देखना बंद हो जाता है, और कानों का ये प्रॉब्लम है कि सुनते सुनते ऊंचा सुनाई देता है। इसलिए कान का मशीन कब लगाना है और ये चश्मा कब लगाना है, कैसे लगाना है, टाइमिंग की तरह गड़बड़ है। मौत खड़ी है। मौत तेरे सर पे नहीं पापा, इनके सामने खड़ी है। सूट बूट पहनकर दादागिरी करने आए हो साहब? अब ठीक है माधव सिंह? अबे ओ, तू पागल तो नहीं है?
मौत से डर नहीं लगता तुझको? मौत से वो डरता है जिसे जिंदगी से प्यार हो। तेरी शायरी की तो हेलो योगराज, कौन योगराज? वही योगराज जिसने कई साल पहले इसी धर्मपुर में ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की इज्जत लूटी और फिर उनका गला काट दिया। मुझे लगता है कि आपने कोई गलत नंबर डायल किया है। यहां पर कोई योगराज नहीं रहता, यह ठाकुर राजवीर सिंह का घर है। योगराज, तुम ठाकुर बनकर दुनिया को धोखा दे सकते हो लेकिन मुझे नहीं। मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं और तुम आ गए। मैंने कहा ना तुम्हें, मैंने कहा तुमसे कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई। मैं तुम्हारी आवाज अच्छी तरह से पहचानता हूं। सुनो, तुम्हारे गंदे कामों का सबूत है मेरे पास। सौदा करना चाहता हूं तुम्हारी जिंदगी का, सिर्फ 50 लाख। आज शाम को ठीक 5 बजे रॉयल क्लब में टेबल नंबर 10 पर रुपए लेकर पहुंच जाना, वरना इन तस्वीरों के खरीदार और भी हैं। हेलो हेलो हेलो, अब अगर वो या उसका कोई भी आदमी वहां पर पहुंच गया तो उसका मतलब ये हुआ के ठाकुर ही योगराज है। मैंने प्रतिज्ञा की है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले इस पुरुष समाज को एक नया वैसे तो पहली मुलाकात में मैं तुझे देख के सोच में पड़ गया था कि बाबूजी जैसी नरम चीज ने सूरज जैसी इतनी गर्म चीज को कैसे पैदा कर दिया। वो तो बाद में मुझे पता चला कि तू तो नाजायज औलाद है। इतना गुस्सा, एक सच्ची बात पे इतना गुस्सा। सूरज, आज तेरी मौत तय है। क्यों, तुझे दिखाई नहीं देता? ध्यान से देखो, आज मेरा चेहरा मेरी जुबान का साथ दे रहा है। मानना पड़ेगा तुझे, आखिर तूने मुझे पहचान ही लिया कि मैं योगराज हूं। जिस योगराज से लोग आंख मिलाते हुए डरते हैं उसके ऊपर तूने हाथ उठाया। बहुत गलत अंदाज लगाया तूने मेरी ताकत का। तू बुज़दिल और कायर है, औरत की आबरू तो लूटना जानता है लेकिन उस पाक के अंश से जिस तेजाब का जन्म होता है उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है तेरे अंदर, इसलिए मुझे बांधकर हिजड़े की तरह पेश आ रहा है। क्या कहा तूने? ये जुड़ा, त
तेरा इस दुनिया में होना तेरे शब्दों का साथ नहीं देता सूरज। वाकई बहुत जान है तुझे। तू बिल्कुल अपनी मां पे गया बेटा, पता है वो भी बहुत जानदार थी, शराब के प्याले की तरह एकदम नशीली, पूर्णिमा के चांद की तरह जवान, खोलते कड़ाई की तरह एकदम गर्म। निहत्था आदमी तुम्हारी पूरी पुलिस फोर्स की पकड़ में नहीं आ रहा, लानत है तुम्हारे ऊपर। ठाकुर साहब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, चुप बिल्कुल। जैसे भी हो ढूंढो उसे, इसके पहले कि वो कुत्ता हमें काटे उस कुत्ते को काट डालो, समझे? ठीक है ठाकुर साहब। सूरज तुम फौरन वो जगह छोड़ दो। एसपी राणा को तुम्हारा पता चल गया है और वो तुम्हारा एनकाउंटर करने निकला है। और सुनो सूरज, पुलिस के सामने ठाकुर का पर्दाफाश हो गया है। उसके फिंगरप्रिंट से साबित कर दिया है कि वही योगराज है, लेकिन वो फरार है। सूरज, बाहर निकलो, गाड़ी छोड़ो। ये चांस। सभी से निवेदन है कि इस ट्रेन में ना चढ़े। जब तक चल नहीं तो तेरे दोनों बेटों को गोली मार दूंगा।
बेटा, सूरज बेटा, बेटा मैं तेरी कर्जदार हूं। जो प्यार तुझे मिलना चाहिए था मैं तुझे ना दे सकी। मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं माँ, इस बार बोल माँ, देख आज मैं कितना खुश हूं, अपनी माँ की गोद में हूं।